देख देख कौन आया है। नहीं बाबू साहब, मेरे को अजय जी के साथ मत भेजो। नहीं बाबू साहब, बेटा एक बार उठ के देख तो ले कौन आया है। बाबू साहब मेरे को अजय जी के साथ नहीं जाना। देख छोरी देख, थारी देवी हुकुम खुद चल के थारे पास आई है। वसुधा, आज हम चंद्रिका सिंह चौहान नहीं बल्कि एक औरत होने के नाते यहां आए हैं, और हम ये भी समझ सकते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम अपने बाबू सा और छोटे भाई से नहीं कह पाए होगी। तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ तुम हमसे कह सकती हो। वो मारे को भी कमरे में ले गए, उन्होंने मारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उनकी चुन्नी से मारे को लगा जैसे उनके कांटे चुभ रहे हो। साजा नजर पड़ रही थी, मारे पर जलन का एहसास हो रहा था। अगर आज उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया होता तो मैं उन्हें पुरके झील में कूद के अपनी जान दे देती। देवी को हमारे दिन पास क्यों बैठी है? लेकिन अब मैं किसी मैली हो गई हूँ, चाहिए ना यहाँ से, वरना अब महली हो जाएंगी। मेरे को तो खुद से घृणा आ रही है। अगर आप भी मेरे को घृणा भरी नजरों से देखेंगे तो मेरे से सहन ना हो पाएगा। मेरे को तो उदयपुर आना ही ना चाहिए था, तो आपकी और हमजा की सेवा करने आई थी। भारी वजह से आपकी बदनामी हो जाती, मैंने सबको परेशान कर दिया, सबको परेशान कर दिया। बहुत बोल रही हूँ, मैं बहुत बोल रही हूँ, इसीलिए मारे को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मारे को बहुत रोना आ रहा है, जी कर रहा है कि खुल के रो, बहुत रो। लेकिन अपने बाबू सा के सामने रो भी नहीं सकती। मैं रोई तो खुद को कोसने लग जाएंगी। अगर आज मेरी अम्मा मेरे साथ होती तो मैं अम्मा का पल्लू लेके खूब रोती, उनकी गोद पे सर रख के रोती, अपने जी हल्का कर लेती। हाँ।